दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीच मैदान में दूसरे दिन के खेल में अचानक से कप्तानी करने लग गए थे रोहित शर्मा, और फिर रोहित के ही फैसले से भारतीय क्रिकेट टीम को एक बहुत ही बड़ा विकेट भी मिला। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा की कप्तानी ने इस हारे हुए मैच में भारत का कमबैक कराया, वो तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन एक बेहतरीन बैट्समैन है? नीचे कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच तो अपने रोमांचक मोड पर आ चुका है, लेकिन पहले दिन के खेल में भारतीय क्रिकेट टीम संघर्ष करती नजर आई थी। आपको याद हो तो हमारी टीम के सभी खिलाड़ी मात्र 78 रन पर सिमट कर रह गए थे। तब बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो भी तब जबकि रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे बैट्समैन इन फॉर्म हो। लेकिन पहली इनिंग्स में कोई नहीं चल सका और सारा दारोमदार आ चुका था गेंदबाजों के कंधों पर। आपको बता दें कि गेंदबाजों को जल्द से जल्द इंग्लैंड की टीम के विकेट्स गिराने थे। अब पहले दिन के खेल में तो कुछ खास हो ही नहीं सका, क्योंकि सलामी जोड़ी के बल्लेबाज मैदान पर सेट हो गए थे और प्रेशर इतना ज्यादा था कि भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड की टीम के विकेट्स ही नहीं निकाल पाए। लेकिन दूसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही शमी ने पहला विकेट दिलाकर भारतीय टीम को जीतने की उम्मीद दिलाई, और इसी उम्मीद को आगे बरकरार रखा मोहम्मद सिराज और जडेजा जैसे गेंदबाजों ने भी। लेकिन इसी बीच दोस्तों असली चमत्कार तो जब हुआ जब मैदान में अचानक रोहित शर्मा कप्तानी करते नजर आए, और उनकी कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट टीम को एक ऐसा विकेट दिला दिया जिससे कि भारतीय टीम अब इस मैच में वापसी कर पाई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस मैच में लगातार एक साथ ही फील्डिंग कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ी ज्यादातर तौर पर स्लिप में ही खड़े रहते हैं, और भारतीय क्रिकेट टीम को जब विकेट्स तो मिल रहे थे लेकिन जो रूट मैदान पर गोंद की तरह चिपक चुके थे। उनका विकेट लेने से पहले खुद रोहित शर्मा के पास विराट कोहली गए, और उस बीच बहुत ही ज्यादा बातचीत हुई विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में, जिसमें रोहित शर्मा साफ कहते सुनाई पड़ रहे थे कि बुमराह को आसमाना चाहिए। दोनों खिलाड़ियों ने बुमराह को अपने पास बुलाया और रोहित शर्मा ने बुमराह से कुछ बातचीत करी। बस फिर क्या होना था, पारी के 118वें ओवर को डालने के लिए बुमराह को ही चुना गया, और फिर तो वो हो गया जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम के हर एक फैंस के चेहरे पर हंसी आ गई थी। दोस्तों जो रूट को आउट करना कोई आसान काम तो नहीं था, ऐसे में रोहित शर्मा और बुमराह के बीच में यह रणनीति जरूर बनी होगी कि उनका विकेट कैसे लिया जाए। 118वां ओवर डाल रहे जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद को तो बड़े साधारण तरीके से डाला, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने जो रूट का विकेट लेने के लिए खास रणनीति बनाई। रणनीति थी एक स्लो डिलीवरी की, रूट हर गेंद पर पड़ा शॉट मारने की फिराक थे ताकि उनके 150 पूरे हो जाए। उन्होंने इस गेंद पर भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन इससे पहले वो की वो गेंद को समझ पाते गेंद की रफ्तार इतनी धीमी थी कि वो देखते ही देखते सीधा विकेट में जा लगी, और जो रूट का विकेट 121 रन पर गिर गया और भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की टीम का सबसे बड़ा व मजबूत विकेट भी मिल गया था। दोस्तों यही वो लम्हा था जहां से भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में ऑफिशियली कमबैक कर पाई। लेकिन इस विकेट के लिए केवल बुमराह की गेंदबाजी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं रोहित की कप्तानी का वो फैसला भी शामिल था। हालांकि दोस्तों असल मायने में तो कप्तान विराट कोहली है, लेकिन इस मैच के दौरान कई दफा वो रोहित से सलाह लेते नजर आए। परंतु आप सभी को क्या लगता है इस वाक्य को जानने के बाद कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन एक वाकई में बेहतर कप्तान है, उसका नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।